ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक नई क्लास लेकर आ रहा हूं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनती है। तो देखिए, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर, और बहुत सारे कंपटीशन में भी ये बहुत आता है एग्जाम में। और निश्चित तौर पर तो कैसे एक्टिव पैसिव बनती हैं, किस किस की बनती है, क्या एक्टिव होता है, क्या पैसिव होता है, ये सारी चीज़ें मैं पहले क्लियर करा रहा हूँ। और ध्यान रहे, ये वीडियो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। यदि शुरू से लास्ट तक आपने देख लिया तो इसी एक क्लास में, तो समझ लीजिएगा कि इंग्लिश का पूरा एक्टिव पैसिव आपकी मुट्ठी में होगा और ये कंप्लीट 30 मिनट्स की इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका। कब कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, यदि वहाँ पर एक्टिव पैसिव का कोई सेंटेंस आएगा तो निश्चित रूप से वो आपकी नॉलेज से बाहर नहीं होगा। तो देखिए, ये एक्टिव पैसिव वॉइस, सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें कि एक्टिव क्या होता है। तो देखिए, ये चीज होता है एक्टिव। एक्टिव का जस्ट अपोजिट होता है पैसिव, यानी एक्टिव क्या होता है, चुस्त होता है, फुर्तीला होता है, और पैसिव एकदम उसका अपोजिट हो जाता है, यानी पैसिव क्या होता है, सुस्त होता है, धीमा होता है। तो निश्चित तौर पर जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं वो डायरेक्ट बोले जाते हैं, बहुत जल्दी बोले जाते हैं, सीधे तौर पर बोले जाते हैं, और जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा कर बोले जाते हैं और थोड़ा सा उसमें समय लगता है। इसीलिए यदि हम कहीं डायलॉग कर रहे हो, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, किसी से टॉकिंग कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर हम कौन सा एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज नहीं करते। लिखने में मोस्टली पैसिव वॉइस यूज होता है और अच्छा इंप्रेशन बन जाता है वो मैटर हमारा, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग में, जहां हम बात करते हैं इंग्लिश में, वहां हमें एक्टिव वॉइस का यूज करना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, कौन से टाइप के सेंटेंस एक्टिव वॉइस होते हैं, तो याद रखिए इस इंग्लिश में 12 टेंस जो हमारे होते हैं, 12 टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं, और इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस, दोनों दो प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक उनमें जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और एक वे वाक्य होते हैं इंपरेटिव जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। बट 12 टेंस के सभी वाक्य और दोनों प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात सभी प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। बहुत सिंपल तौर पर बता रहा हूं, 12 टेंस के सभी वाक्य और सभी टाइप के इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहलाएंगे, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। अब हमें देखना है कि इनका पैसिव कैसे बनता है, 12 टेंस की पैसिव बननी है और इसके अलावा हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है उनकी पैसिव बननी है, कैसे बनती है। तो याद रखिए, पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में जहां की एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो कार्य करने वाला होता है, उस कार्य को करने का अधिकार उसे ही होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट जो होता है, जो कार्य करने वाला है एक्टिव वॉइस में, वही ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में लास्ट में चला जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, कर्म बन जाता है। इसलिए जहां कर्म के को प्रधानता दी जाती है, अर्थात कर्म ही उस कार्य को करने वाला होता है, तो वहां पर पैसिव वॉइस होती है। एक बात मैंने पहले बताई थी कि एक्टिव वॉइस सीधे तौर पर बोले जाने वाले वाक्य और पैसिव वॉइस थोड़ा सा घुमा फिराकर बोले जाने वाले वाक्य होते हैं। अब बात आती है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते कैसे हैं। तो देखिए, कुछ रूल्स है, कुछ नियम है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। बेसिकली हमें ये रूल्स याद रखने हैं। नंबर वन, पहला रूल देखिए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। पहला हमारा ये नियम है। उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है कि जब इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, मान लीजिए सब्जेक्ट है और इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम इधर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे, तो ये यहां पर हमारा जो एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, जब इसकी पैसिव बनेगी तो पैसिव वॉइस में ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा, इससे पहले क्या लगाते हैं, इससे पहले बाई लगाते हैं, ये हमने बाई लगाते हैं। एक और चीज इसी के साथ साथ समझ लीजिए कि जब बाई लगाते हैं तो बाई के बाद जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं
वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते, वो हमेशा डुप्लीकेट फॉर्म में आते हैं। जैसे आई है तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, और ही का जैसे यहां पर ही था इसका हिंग हो गया। या ये भी बात समझ लीजिए, ये भी याद रहना चाहिए कि बाई एक ऐसा प्रीपोजिशन है कि बाई के बाद यदि कोई भी प्रोनाउन आएगा तो हमेशा अपने डुप्लीकेट फॉर्म में आएगा, कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। सिंटेक्स में करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में यूपी बोर्ड में भी कई बार बाई के बाद ये यहां ओरिजिनल फॉर्म में लगा देता है, आपने उसको करेक्ट करना होता है। तो ये बात याद रहेगी कि बाई लगाते हैं और बाई के बाद ऑब्जेक्ट यदि प्रोनाउन हो तो डुप्लीकेट रूप में आएगा। उसके बाद एक और बात कि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, वो हमेशा टेंस के अनुसार आती है। भाई 12 टेंस है, टेंस की जिसने क्लास नहीं की है इस वीडियो के नोटिफिकेशन में जाएं, और मैंने टेंस की क्लास करा रखी है, उसमें पूरे 12 टेंस को मैंने पढ़ाया है किस टाइप से हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, उस क्लास को आप देख सकते हैं। तो देखिए 12 टेंस में जो भी क्रियाएं आएंगी वो टेंस के अनुसार आएंगी, जिस टेंस में जो क्रिया निर्धारित की गई है, कहीं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है, कहीं पर थर्ड फॉर्म आनी है, कहीं सेकंड फॉर्म आनी है किसी टेंस में, तो वो टेंस के अनुसार आएगी। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। ये बात तो क्लियर हो गई कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म आती है वो किसके अनुसार आती है, टेंस के अनुसार आती है। तो ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब चौथी बात आती है कि ये जो 12 टेंस हैं, इनमें से किसकी पैसिव बनती है और किसकी नहीं बनती, या 12 ही टेंस की पैसिव बनती है? नहीं, 12 टेंस की पैसिव नहीं बनती, केवल 8 टेंसेस की पैसिव बनती है। 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनती, दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश, 4 की नहीं बने। किस किस की नहीं बनेगी, आइए देखते हैं रूल नंबर 4 में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और बाद वाले जो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, ये केवल एक्टिव वॉइस में ही रहते हैं, पैसिव वॉइस इनकी नहीं बनती। इसका मतलब अब 12 टेंस थे, 4 की नहीं बनती, तो कितने रह गए, 8 टेंस रह गए, 8 टेंस की पैसिव बनेगी। अब ये जो 8 टेंस की पैसिव बनेगी, इसमें भी एक रूल अच्छे से समझ लीजिए, कोई आपकी परीक्षा ले सकता है कि वो पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनती है, तो कहेगा कि हां बनती है। कोई सेंटेंस दे देगा आपको, ही प्लेज इन द फील्ड, वे मैदान में खेलता है, कौन सा टेंस है, आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनती है क्या, आप कहोगे हां बनती है, तब वो कहेगा बनाइए इसकी पैसिव वॉइस, ही प्लेज इन द फील्ड, तो उससे कहिए इसकी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई, ये तो 8 टेंस में आता है जिनकी पैसिव बनती है। तो याद रखिए इन 8 टेंस में भी एक रूल है। क्या रूल है, इन 8 टेंसेस में से भी उन वाक्यों की पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगी जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अर्थात इस सेंटेंस में ही प्लेज इन द फील्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो कहता ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, अब क्रिकेट आ गया भाई, ऑब्जेक्ट अब बन जाएगा। तो पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल, इस बात पर अच्छी तरह से ध्यान दे कि 8 टेंस में से भी पांचवा रूल मैंने ये लिखा है, 8 टेंसेस में से भी उन वाक्यों की पैसिव नहीं बनती जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब बात साफ हो गई कि 8 टेंस की पैसिव बनेगी और 8 टेंस में से भी उन वाक्यों की पैसिव बनेगी जिनमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा। छठा रूल मैंने बता दिया कि प्रोनाउंस के डुप्लीकेट क्या क्या होते हैं, आई का मी होता है, यू का यू ही रहेगा, सी का हर होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, और दे का दैम होता है, और वी का अस होता है। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक रूप से इस फॉर्मूले को रखते हुए कि ये एक्टिव वॉइस है
ये इसका सब्जेक्ट है, ये एचबी है, एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ये एमवी है प्लस एमवी, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया होगी जो टेंस की सहायक क्रिया होती है, सबकी अलग अलग होती है। एमवी मेन वर्ब कौन कौन सी आती है, अलग अलग टेंस में अलग अलग मेन वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, इस आधार पर एक्टिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन जब पैस्यू बनेगी तो याद रखिए पैस्यू वॉइस में ये सब्जेक्ट चला जाएगा लास्ट में, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैस्यू वॉइस में कहां चला गया, यहां लास्ट में चला गया। और एक्टिव वॉइस का जो ये ऑब्जेक्ट था ये यहां शुरू में आ गया, ये अब इस पैस्यू का सब्जेक्ट बन गया। भाई अगर यहां पर कोई प्रोनाउन होता तो अपने डुप्लीकेट फॉर्म में होता, मान लीजिए यहां मी होता तो यहां पर उसका आकर क्या बन जाता, आई बन जाता। जैसे इधर से जाके उधर डुप्लीकेट फॉर्म में आता है, ऐसे ही यहां से डुप्लीकेट फॉर्म में यदि होगा और यदि वो यहां पर आएगा तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, इंटरचेंज। आप समझ गए होंगे इस बात को। उसके बाद हम चलते हैं एचवी पर। देखिए ये एचवी है, मैंने लिखा टेंस के अनुसार चेंज। मान लीजिए यहां पर जिस टेंस को जो रूल हम देंगे आगे आगे में पढ़ाऊंगा, जो चार्ट बनाऊंगा एक चार्ट में बताऊंगा कि जिस टेंस की पैस्यू कैसे बनती है तो कौन सी एचबी कैसे चेंज होती है, एचबी अपनी जगह यही की यही चेंज हो जाएगी, जो कि तो यहां रहेगी और वो चेंज हो जाएगी लेकिन रहेगी इसी प्लेस पर। उसके बाद एमवी की बात आती है, ये तो बहुत सीधी सी बात होगी कि एमवी यहां पर जो मेन वर्ब है वो किस में चेंज हो जाती है, हमेशा ही थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, पैस्यू वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। तो इस टाइप से हम उसका एक्टिव से पैस्यू बनाते हैं। अब क्यों ना हम इसको देखिए एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस सपोज थोड़ा सा ले रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये इसमें सब्जेक्ट है, डज नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब पैस्यू बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैस्यू वॉइस बनाने का जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है कि डू नॉट और डज नॉट इज एम आर में चेंज होते हैं। ये बात आपको चार्ट से क्लियर हो जाएगी, आगे चार्ट बनेगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, इस मी को हम यहां लेंगे, आई बन जाएगा, आई के साथ अब एम लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा, एम नॉट, आई एम नॉट, हेल्प यही का यही है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प। यहां पर मैंने बाई लगाया रूल के आधार पर, ऊपर बताया जा चुका है, और ये ही इधर आ गया हिम, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हिम। बाई द वे सेकेंड सेंटेंस में मैंने दिखाया, देखिए सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए व्हाई डिड यू नॉट गिव मी योर बुक, यहां पर मैंने दो ऑब्जेक्ट लगाए, मी ऑब्जेक्ट है, योर ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ाना चाहता हूं, क्या सिखाना चाहता हूं आपको, यह सिखाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस बात पे कि यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक लाइफ लेस हो एक लाइफ नेस हो, एक बेजानदार हो एक जानदार हो, एक सजीव हो एक निर्जीव हो, तो ग्रामर क्या कहती है, हमारा नियम क्या कहता है, यदि यहां पर दो ऑब्जेक्ट आ गए और दोनों ही निर्जीव है तो कोई सा भी पहले ले लो, नो प्रॉब्लम। और यदि यहां पर एक निर्जीव है, जैसे योर बुक निर्जीव है और मी क्या है, वो सजीव है, यदि दो ऑब्जेक्ट है एक निर्जीव और एक सजीव, तो व्याकरण का यह नियम है कि जो सजीव है उसको पहले लेंगे। तो हमने यहां पर मी को यहां आई बना लिया, पहले वाई लगाया उसके बाद वाज लगाया। सेंटेंस याद रखिए जिस टेंस का है उसी टेंस में बनेगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो जो का तो इंट्रोगेटिव रहेगा, क्योंकि इस टेंस में वाजवर का प्रयोग करते हैं पैस्यू वॉइस बनाते समय प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये सेंटेंस बना वाई वाज आई, हमने मी को ले लिया आई नॉट, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और योर बुक यही का यही रहेगा, और बाई लगा के इस यू को इधर ले जाएंगे,
Why was I not given your book by you? इस तरह से हमने क्या बनाई इसकी, ये पैश्यू बनाई। Pay attention at this very well। एक बात और बताता हूं, कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम इस योर बुक को भी पहले ले सकते हैं, फिर मुझे बनाना पड़ेगा वाई वाज योर बुक नॉट गिवन, वाई वाज योर बुक नॉट गिवन टू मी, फिर मी से पहले टू लगाना पड़ेगा, टू मी बाई यू। तो दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है। अब नेक्स्ट जो नंबर 7 है, इसमें हम देखते हैं कि 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। मैंने बताया था कि 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनेगी, तो 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट में दिखाया है कि ये जो 8 टेंस है, एक साइड में टेंस है और ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। बहुत सीधे तौर पर समझ लें कि किस टेंस में, एक्टिव वॉइस में क्या नियम होता है, जो टेंस का नियम है वो भी मैंने समझा दिया ताकि आपकी नॉलेज में रहे ये बात। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट वन का मतलब होता है एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन का अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। यदि सब्जेक्ट टू का मतलब बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन पैसिव वॉइस में यही डू नॉट या डज नॉट इज एम आर में चेंज हो जाते हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है या फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें इज एम आर लगेगा, एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। थर्ड फॉर्म तो हमेशा पैसिव वॉइस में मैंने पहले ही बता दिया कि लगती है। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आप कहीं पर देखेंगे जिसमें पहले से ही क्या लगा हुआ होगा, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा, जैसे ही इज नॉट रीडिंग हिज बुक, ऐसा सेंटेंस होगा तो उसमें पहले से ही ये सब आएंगे इज एम आर। लेकिन जब इसकी पैस्यू बनेगी तो इज एम आर जो का तो यूज होगा केवल ये शो करने के लिए कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस था, हमने इसमें क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, बी ई आई एन जी, और जो वर्ब थी जिसमें आई एन जी जुड़ा हुआ था उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बीइंग का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही हैज और हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, बस केवल हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में, इस हैज और हैव के साथ में केवल बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई है तो केवल बीन लगाना है। यदि हमें हैज और हैव वाला कोई वाक्य जिसमें थर्ड फॉर्म हो ऐसा दिखाई देता है, सिर्फ बीन लगाना है पैसिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव वाक्यों में, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्हीं वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये डिड नॉट किस में चेंज हो जाता है, वाज और वर्ब में चेंज हो जाता है। एक वचन के साथ वाज, वाज और बहुवचन के साथ वर्ब लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये भी कंटीन्यूअस टेंस आ गया। इस कंटीन्यूअस टेंस में फिर देखिए वाज वर्ब पहले से ही दिया हुआ होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी तो केवल वाज वर्ब जो का तो लगाना है, जैसे यहां लगा हुआ था एज इट इज, जो का तो लगाएंगे, एक वचन के साथ वाज आएगा, बहुवचन के साथ वर आएगा और यहां पर भी बीइंग लगाएंगे जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगाया था। बीइंग लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जिस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म यहां पर रखेंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ पहले से ही हेड लगा हुआ होगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई होगी, तो केवल हमें क्या करना है, इस हेड के साथ में बीन और लगाना, बस हेड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाए। उसके बाद सातवां टेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले से ही दिया हुआ होता है, आई के साथ सेल और अन्य सभी के साथ में विल होता है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। पैसिव वॉइस बनाते समय सेल और विल वाले वाक्यों में केवल बी हम और जोड़ते हैं, सेल बी या विल बी का प्रयोग करके उसमें थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में Shall have और will have पहले से ही दिया हुआ होगा, थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई होगी, क्योंकि तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पहले से ही आती है।
तो यहां पर सेल हैव का सेल हैव बीन और विल हैव का विल हैव बीन, केवल बीन जोड़ना है, थर्ड फॉर्म जोकी टो। इस तरह से इन आठ टेंसेस की प्रश्नोवाचक हम बनाते हैं और केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और बाद वाले जो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैश्यु नहीं बनती। आठ टेंस की पैश्यु इस चार्ट के अनुसार बनेगी। शेष जो पहले में नियम पढ़ा चुका हूं वे सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। आइए अब हम लेते हैं आठ टेंस के एग्जाम्पल, लेते हैं आठ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। देखिए कैसे बनाते हैं इनको, अब इनको हम थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। आठ टेंस की पैश्योइस बनती है, तो ये आठ टेंस के एग्जाम्पल मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं किस टाइप से इनकी पैश्यू बनती है। तो देखिए यहां पर एक्टिव वॉइस है, ये पैश्यू वॉइस है। He does not help me, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इस वाक्य में ये बना me, जो कि हमने यहां सब्जेक्ट के रूप में लिया है। He does not help me, अर्थात I am not helped by him, he को हम यहां ले गए him में। इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया। और चार्ट से आपको मालूम है कि उसमें मैंने दिखाया कि इसमें इस्तेमाल का प्रयोग करते हैं और चार्ट फॉर्म होती है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस आता है He is not helping me, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इसमें ठीक इसी सेंटेंस को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया, तो यहां क्या बदलाव आया, यहां पर बदलाव आया आई एम नॉट बीइंग। तो देखिए यहां पर ये बीइंग लगा है, ये बीइंग ये शो करता है कि ये सेंटेंस कैसा है। यहां पर हमने देखा इस बार में से कोई एक यूज हुआ है और यहां पर बीइंग आया है, तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था, उसकी पैश्योइस बनी है। उसके बाद ये सेंटेंस नंबर थ्री है, Why did you not call me? इसमें did आया है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैश्यु कैसे बनेगी, उसमें वाजबर लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसको हमने देखा, देखिए सेंटेंस में मी आया था, Why was I? यहां पर हमने वाज लगा लिया और इसको हमने आई ले लिया, आई नॉट, यहां पर नॉट लगा है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगा। कॉल्ड बाई यू, यू का यू ही रहता है, बाई के बाद यू ही रहेगा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बन गया। उसके बाद इसी सेंटेंस को हम यहां पर देखिए नीचे लेते हैं, व्हाई हैज ही नॉट ईटन द फूड, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसमें हैज आया है, हमने देख लिया कि हैज या हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और हमने ये भी पढ़ा है कि उसकी पैश्यूइस बनाते समय हैज के साथ में बीन जोड़ देते हैं, तो यहां पर द फूड ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, व्हाई हैज द फूड नॉट बीन, यहां पर बीन आ गया, हैज बीन आ गया, ये eaten by you, you का यू ही रह जाता है, लेकिन देखिए इस सेंटेंस में क्या है, यू नहीं है और इस सेंटेंस में ही है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस ही है और इस ही का हमने यहां पर क्या बना दिया, हिम बना दिया। यदि यहां पर यू होता तो वहां पर यू का यू रहता, यू चेंज ना होता, दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद देखिए पांचवें सेंटेंस में दे वर नॉट प्लेइंग ए मैच, ये सेंटेंस वर आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर एज इट इज आता है, उसके साथ में शो करने के लिए कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वहां भी बीइंग आ जाएगा। अगर बीइंग आता है और वाज वर आता है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैश्यू बनी थी। ए मैच वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, देखा क्या बन जाता है, देम बन जाता है, ये बात क्लियर कराई जा चुकी है। उसके बाद नंबर सिक्स पर देखिए, ही हैड ईटन द फूड बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हैड आता है। और पैश्यू वॉइस हमने देखा इसकी बनाते समय एक बात पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करिए, कभी कभी क्या होता है इसमें जो ये दो क्लाज है, एक होता है पहला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल क्लाज, और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होता है या आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस होता है वो सबॉर्डिनेट क्लाज होता है। तो कभी कभी तो दोनों वाक्यों की पैश्यू बनती है, लेकिन हमने देखा कि ही हैड ईटन द फूड इसकी तो बनती है, आई केम इसकी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसकी भी बनती तो इसकी अलग बनाते, इसकी अलग बनाते, जिस टेंस का वाक्य होता उसी टेंस में पैश्यू बन जाती, लेकिन देखिए अब तो एक ही बन रही है ना, तो एक ही बनाएंगे, द फूड हैड बीन ईटन बाई हिम बिफोर आई केम, जो का तो लगा देंगे, यदि उसकी पैश्यू बनती तो उसकी भी पैश्यू लिखते बिफोर के बाद में। उसके बाद सातवां सेंटेंस आता है, आई शैल नॉट गिव यू माई पैन,
ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, आई शैल नॉट गिव यू माय पेन, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल के बाद और विल के बाद बी लग जाता है। यहां पर हमने पहले क्या लिया, देखिए इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, एक यू है एक माय पेन है। तो यहां पर जो मैंने ये बात पढ़ा दी समझा दी कि जिसमें लाइफ होता है जो सजीव होता है वो पहले आएगा, तो यू पहले आएगा और यू के साथ विल लगेगा, यू विल नॉट बी, यहां बी लगा, गिवन थर्ड फॉर्म आ गई माई पेन बाई मी, आई को बदल दिया मी में। उसके बाद आठवां सेंटेंस देखिए, ये फ्यूचर परफेक्ट का है, यहां पर भी दो क्लोज होती है, दे विल नॉट हैव हेल्प मी बिफोर ही कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और ये फ्यूचर परफेक्ट में होता है, विल नॉट हैव फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसमें भी एक ही वाक्य की पैस्यू बन पाती है, आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प बिफोर ही कम्स, ये चौका तो रह जाता है, और इस तरह से हम टेंसेस की पैस्यूज बनाते हैं। ये क्लियर हो चुकी है, टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है उनकी पैस्यू कैसे बनती है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस आता है और मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस की सभी की पैस्यूज बनती है, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हुआ हो। तो देखिए दो प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें की ऑब्जेक्ट दिया होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें की ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस पहला आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो उनकी पैस्यूज बनाने का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है लेट आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस यू। मान लीजिए सेंटेंस आपके पास है, देखिए ये ओपन द डोर है, डोंट शट द डोर है, इसमें क्या है ओपन द डोर, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहां पर इसको हम कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर बनाएंगे, सबसे पहले हम लेट ले लिया, हमने यहां से लेट लिया, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जो ये था ये सब्जेक्ट का काम करेगा पैस्यूज में, लेट द डोर बी लगाया फॉर्मूले के आधार पर बी, और यहां पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपन की, इसकी ओपन की थर्ड फॉर्म आ गई, और उसके बाद बाय यू लगा दिया। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी एक मेरी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने बताया समझाया कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। यदि किसी ने वो क्लास ना की हो तो निश्चित रूप से करें, उन्हें पता लग जाएगा, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो तीन विशेषताएं रखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में नंबर वन कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता, नंबर दो सभी सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट छिपा रहता है, नंबर तीन ये सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, या लेट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस अब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए अब मैंने सेंटेंस को बनाया लेट द डोर बी ओपन बाय यू, उसके बाद मैं नेगेटिव सेंटेंस ले लेता हूं एक, यहां पर इसमें डोंट शट द डोर कह दिया मैंने, डोंट शट द डोर, अब इसमें डोंट आ गया, अगर डोंट आता है तो इसे भी हम लेट वाले सेंटेंस से बना सकते हैं, लेट से कैसे बनाएंगे, लेट द डोर और ये जो बी आया था नोट इस बी से पहले लगाना है, लेट द डोर नोट बी ओपन, और पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल, ध्यान दें ये बाई यू हम लगाएं या ना लगाएं ये अंडरस्टूड है, वो तो बाई यू तो है ही है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि आप लगाएंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है, लेट द डोर बी ओपन बस इतना लिखिए, लेट द डोर नोट बी ओपन, इसका मतलब ये आपने नेगेटिव का पैस्यूज बनाया है। अब एक दूसरी बात समझा रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें की ऑब्जेक्ट नहीं होता या प्लीज आ जाता है कुछ वाक्यों में, तो हम कैसे बनाएं, लेट से उसको नहीं बना सकते, जब प्लीज आ जाएगा तो किस टाइप से हम बनाएंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस देखिए जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता या प्लीज आता है, अब इन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे ध्यान दें, इसमें तीन बातें हम यूज करते हैं, नंबर एक यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, इन तीनों का प्रयोग करते हैं, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, ऐसे बनाते हैं। तो पे अटेंशन एट दिस, पहला सेंटेंस है प्लीज गिव मी योर बुक, इसको मैंने बनाने से प्लीज आया है तो इसको हम यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हट जाएगा, टू गिव मी योर बुक एज इट इज लिख देंगे उस सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस आता है नंबर टू, सेंड हिम द मैसेज एट वंस, तो देखिए इसमें एट वंस वर्ड आया है, एट वंस एकदम, यानी यहां पर प्रेशर दिया है, दबाव डाला गया है, यदि इमीडिएटली आता है
या एडवांस आता है ना वो आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एकदम से इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर डाला गया है, दबाव डाला गया है, तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सेंड हिम द मैसेज एडवांस, यू आर ऑर्डर्ड टू सेंड हिम द मैसेज एडवांस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है नंबर थ्री, सिट डाउन। सिट डाउन ऐसा सेंटेंस है कि ये एडवाइज भी है, सलाह दी जाती है, और इसको हम किसमें चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज टू सिट डाउन, यू आर एडवाइज टू सिट डाउन। इसी सेंटेंस में यदि मैं प्लीज जोड़ देता शुरू में प्लीज सिट डाउन, तो ये बन जाता यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, क्योंकि प्लीज को हटा देते हैं, ऊपर बता दिया गया है, ये बात समझा दी गई है अच्छे से। और यदि इसी सेंटेंस में मैं लिख देता सिट डाउन एट वंस या सिट डाउन इमीडिएटली, तो यही सेंटेंस बनता यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन एट वंस, ऐसे बनता। नंबर चार सेंटेंस देखिए, एक ये सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में इस तरह के सेंटेंसेस, तो इसमें एक चेंज आया है देखिए, इट इज टाइम टू प्ले द मैच, इट इज टाइम टू प्ले द मैच, ये बनेगा इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी प्लेड, इसमें बी लगा देंगे और बी से पहले टू लगा देंगे, टू बी प्लेड, टू के बाद में ये बी फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी टू बी, यहां पर एक्जुलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है बी, इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी प्लेड। उसके बाद पांचवा सेंटेंस आता है डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। तो देखो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, जो नेगेटिव सेंटेंस है ऐसे तो हम इसको ऊपर वाले रूल के आधार पर भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, लेट ए नॉइज नॉट, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड बाई यू, लगाए या ना लगाए ऊपर बता दिया गया है, तो अंडरस्टूड है वो बात, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, ये बन सकता है, ये यहां पर ऐसे बना के दिखाया गया है। उसके बाद देखिए ऐसे भी बन सकता है सेंटेंस, यू आर फॉरबिडन, ये फॉरबिडन जो है ये फॉरबिड की थर्ड फॉर्म होती है, फॉरबिड मैंने मना करना, फॉरबिड मैंने मना किया, और फॉरबिडन थर्ड फॉर्म हो जाती है, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस, ये सेंटेंस टाइप से बन गया। तो देखिए दो तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, और ये दो तरह के इंपरेटिव सेंटेंस हैं जिनका कि हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया, पूरे टेंस के एक्टिव पैसिव को हमने समझ लिया है और इंपरेटिव सेंटेंस को भी हमने समझ लिया है, और ये कंप्लीट एक्टिव पैसिव होता है जिससे कि एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, इस टॉपिक में कंप्लीट आपने समझ लिया है कि टेंसेस की पैसिव कैसे बनती है और किस टाइप से इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनती है। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सभी कॉम्पिटिशन्स में ये जो 50 मार्क्स का पेपर आता है इंग्लिश का उसमें निश्चित तौर पर आता है, और ग्रामर के ऊपर दूसरी हमारी बहुत सारी क्लासेस जो कि मैंने क्लासेस दी हैं वो हमारे ज्ञान की शक्ति चैनल पर यूट्यूब पर दिया गया है, जो भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता है वो वहां से उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वहां से कोई भी ग्रामर की किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो पढ़ सकता है। थैंक्स वेरी मच।